हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं भुट्टे की सब्जी। इसके लिए हमें चाहिए 3 भुट्टे, ये नरम ही हो। इसको हम कद्दूकस कर लेंगे, या फिर चाहे तो आप इसके दाने निकाल के मिक्सी में भी पीस सकते हैं, पर मिक्सी में इसका थोड़ा पतला पेस्ट बनता है, इसलिए हम इसे कद्दूकस कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह हम सारे भुट्टों को कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। इसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच चावल के आटे और 2 बड़े चम्मच बेसन, और अदरक और लहसुन का घिस के रख लेंगे कूट के, और टमाटर का पेस्ट। इसमें हम 2-3-4 पीस काजू के डाल लेंगे, और हमको हरी मिर्च और प्याज को बारीक काट के रख लेंगे। अब हम सबसे पहले इसमें हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम इसमें 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक अब हम बेसन और चावल के आटे को भी इसमें डाल देंगे, और प्याज और हरी मिर्च जो हमने काट के रखी थी उसको 2 चम्मच उसको डाल देंगे। अगर आपके पास हरी धनिया हो तो उसको भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर पानी की आवश्यकता लगे तो थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे, पर बिना पानी के ही अच्छा पेस्ट तैयार हो जाता है ये। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए, हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब एक पैन में 3 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। अब पूरे पेस्ट को इसमें डाल दें। अब इसको अच्छे से चारों तरफ फैला दें, चारों तरफ समान ही इसकी मोटाई रहे ताकि अच्छे से सिक जाए। बराबर चारों तरफ बराबर कर दें इसको अच्छे से। अब इसको हम धीमी आंच पे सेकेंगे, थोड़ी देर हम इसको पकने दें ऐसे धीमी आंच पे, फिर इसको पलट दें। इसको बहुत संभाल के पलटें, नहीं तो ये क्रैक हो जाता है बीच से। बहुत सावधानी के साथ इसको पलटना पड़ता है। अब हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए, हमारा एक तरफ से पक चुका है। अब हम इसको दूसरी तरफ भी इसी तरह सेंक लेंगे, धीमी आंच पे इसको कुछ देर तक सेकेंगे हम इसको ऐसे थोड़ा सा, इसको बीच बीच में दबा दबा के सेकते रहेंगे ताकि अच्छे से ये पक जाए। देखिए, इस तरह इसको दबा दबा के सेक लें। अब इसको आप ऐसे पलट के फिर दूसरी तरफ भी सेक लें ऐसे, जब ये पक जाए अच्छे से। तब इसको एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे, और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और अच्छे से सेट हो जाए। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक हम अपने सब्जी का पेस्ट तैयार करेंगे। अब हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम करेंगे और उसमें मेथी दाना डालेंगे। जब मेथी दाना भून जाए तब इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। देखिए, जीरा भी हमारा भून गया है। अब हम इसमें जो बारीक प्याज काट के रखे थे उसको डाल देंगे। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। बीच बीच में इसको चला के ऐसे भूनते रहेंगे धीमी आंच पे ताकि प्याज हमारी अच्छे से पक जाए। देखिए, प्याज हमारी भून गई है। अब हम इसमें 2 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, और 2 तेज़पत्ता डाल देंगे। अच्छे से इसको
इसको अच्छे से भून लें। अब हम इसमें लहसुन और जो अदरक कूट के रखे थे उसको भी डाल देंगे। अब इसको भी भून लेंगे, थोड़ी देर इसको भूने 1-2 मिनट तक। जब अच्छे से अदरक लहसुन और प्याज सब अच्छे से भून जाए तब हम इसमें मसाले डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब हम इसमें 1 चम्मच शाही पनीर मसाला डालेंगे। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लें, सभी मसालों को भून लें। अब हमने जो टमाटर प्यूरी बना के रखा था उसको डाल देंगे। अब अच्छे से चलाकर इसको भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक मसालों को ऐसे धीमी आंच पे भूनें और 1 चम्मच नमक डाल दें। नमक अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। देखिए मसाला हमारा भून के तैयार हो गया है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। पानी आप अपने आवश्यकता के अनुसार डाल सकते हैं, जितना आपको ज़्यादा और कम पेस्ट चाहिए सब्जी का। देखिए अब इसको थोड़ी देर पकने देंगे, जब तक इसमें उबाल ना आने लगे तब तक इसको पकाएं। देखिए हमारा ठंडा होके तैयार हो गया है ये। अब इसको हम अपने मन चाहे शेप में काट सकते हैं। आप चाहे जिस शेप का इसको आकार का काट लें, जैसा आपको पसंद हो। अब इसको अलग करके प्लेट में इसको काट लेंगे। इस तरह से सभी टुकड़ों को अलग करके कर लेंगे और इसको काट लेंगे इस तरह से। आप चाहे इसे कोई भी आकार दे सकते हैं। हमने इसको देखिए सभी को पीस को इस तरह से काट लिया है। इधर हमारा सब्जी का पेस्ट तैयार है। देखिए इसमें बॉयल होने लगा है। अब हम इसमें सभी पीस को डाल देंगे इस तरह से। सभी टुकड़ों को इसी तरह से डाल दें और 3 से 4 मिनट तक इसे पकने दें। ऐसे ही तेज आंच पे पकने दें। हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है, नहीं तो सारे टुकड़े बिखर जाएंगे टूट के। पहले से ही हमारा मसाला तैयार था, सब कुछ भून चुका था, इसलिए ज़्यादा देर इसे पकाने की आवश्यकता नहीं है। सभी चीज़ें पहले से भी पक के रेडी हैं। बस थोड़ी देर इसको 3 से 4 मिनट तक पका लें। देखिए अभी पक के तैयार हो गया है। देखिए हमारी सब्ज़ी पक के तैयार है। अब आप इसे हरा धनिया डाल के सर्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।